हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वेश कुमार यादव, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। जैसा आप गुरुनीति के वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हो, आज अपन सॉल्यूशन करेंगे कौन सी, गुरुनीति 9th। तो बाकी की जो गुरुनीति है आपने वीडियो सॉल्यूशन देखे हैं बेटा, जितने भी अपने एग्जाम के क्वेश्चन आ चुके हैं आपको पता है 2013 से लेके और 22 तक सभी का वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। इसमें देखो आपको हर क्वेश्चन की अप्रोच पे जाना है ताकि आपको ये समझ में आए कि नीट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी थीम क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनकी अप्रोच क्या है, वो कौन से टॉपिक में और कितना डीप तक जो है अप्रोच लेता है। तो एक बार पूरा ये मैनेज कर लोगे तो उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में फिर से क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन की वैरायटी आएंगी लेकिन थीम जो है वो ये रहेगी। कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हैं, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हैं, कुछ स्टेटमेंट वाले हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं, डायग्रामेटिक क्वेश्चन हैं, उन सभी के अप्रोच को आपको क्या करना है, पकड़ना है। ठीक है, तो अपन इसमें सबसे पहले बायोमोलिक्यूल के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, चैप्टर आपको पता है बायोमोलिक्यूल का, अलग से 11th क्लास का टॉपिक है, उसको कवर करेंगे। उसके बाद में इसी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर अपन बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एसेंशियल केमिकल कंपाउंड्स ऑफ मेनी को एंजाइम्स आर। बेटा बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, एनसीईआरटी की लैंग्वेज और उसी से वो क्वेश्चन को कट करके डिजाइन करता है। अनेक जो सहएंजाइम है, जो आपके कोएंजाइम्स हैं, सहएंजाइम के लिए आवश्यक रासायनिक घटक क्या होता है, किसको अपन कोएंजाइम की फॉर्म में काम में लेते हैं, मेनली कौन होते हैं, वो तो काफी सारे एग्जांपल दे रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो वहां पर साफ साफ मेंशन कर रखा है विटामिन्स, एग्जाम्पल ऑफ कोएंजाइम्स लाइक एनएडी, एफएडी, एफएमएन, टीपीपी, बहुत सारे हैं वहां। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन्स। ओके, नेक्स्ट, मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज, मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए बेटा। जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, माइक्रो एंड मैक्रोबायो मोलिक्यूल। माइक्रोबायो मोलिक्यूल लो मोलिकुलर वेट, वाटर सोल्युबल होंगे, मैक्रो जिनकी साइज क्या है, लार्ज है, जनरली वाटर इनसोल्युबल है। अब इसने बोला मैक्रो मोलिक्यूल काइटिन, काइटिन इज मैक्रोबायो मोलिक्यूल, पॉलीसेकेराइड है आप जानते हो, इज क्या है ये। तो काइटिन की अगर बात करें तो बेटा आपके दिमाग में तुरंत कॉन्सेप्ट आ जाने चाहिए, क्योंकि सब कुछ तुम पढ़ चुके हो, काइटिन इज द पॉलीमर ऑफ नाग। नाग का क्या है, ये पॉलीमर है, होमोपोलीमर होता है। और जो नाग है इसकी जो यूनिट है नाग क्या होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। ओके, तो एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन में बेटा बताओ नाइट्रोजन आ गया कि नहीं आ गया, तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सल्फर कंटेनिंग ना सिंपल पॉलीसेकेराइड नहीं होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट, फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, बिल्कुल सीधे स्टेट क्वेश्चन है बेटा, और स्कोरिंग है बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री में भी है, आपके बायोलॉजी में भी है, स्कोरिंग का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएंगे और सीधे आंसर होते हैं इनके, इसमें कोई आपको दिमाग लगाना नहीं है। हाँ, स्ट्रक्चर से याद होनी चाहिए आपको। इसने बोला ए फॉस्फोग्लिसराइड, फॉस्फोग्लिसराइड की अगर बात करें तो बेटा आप जानते हो ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, इनको कंडेंस कर दो क्या बन जाएगा, फॉस्फोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड होगा तो एक फैटी एसिड, डाइग्लिसराइड दो फैटी एसिड को कंडेंस कर दो, ट्राइग्लिसराइड में एक ग्लिसरॉल और तीन फैटी एसिड। तो ये तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाते हैं। फॉस्फोग्लिसराइड्स इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टिफाइड टू ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू व्हिच ए फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो अटैच। बिल्कुल सही बात है, ग्लिसरॉल फैटी एसिड इसके साथ अटैच होगा। इसने बोला फॉस्फोग्लिसराइड तो फैटी एसिड कंडेंस हो गया, एस्टरीफिकेशन हो जाएगा और एक फॉस्फेट ग्रुप भी होगा, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, फॉस्फोग्लिसराइड। अगला ऑप्शन देखते हैं बेटा, ए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टरीफाइड टू फॉस्फेट ग्रुप विच इज ऑल्सो अटैच टू ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। Only saturated fatty acid esterified to glycerol molecule to which a phosphate only लगा दिया बेटा। देखो अब जो fatty acid attach होगा उसके साथ saturated भी हो सकता है और unsaturated भी हो सकता है, वो depend करता है cell को किसकी requirement है, maybe saturated और unsaturated। तो जहां only लग गया वहां तो statement अपने आप ही क्या हो गया बेटा, incorrect हो गया। बात करें दोनों की,
ध्यान से देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्ट्रीफाइड टू ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू विच इज फॉस्फेट ग्रुप इज ऑल्सो अटैच। सही है, यहां क्या बोल रहा है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्ट्रीफाइड टू फॉस्फेट ग्रुप, ये गलत हो गया। एस्ट्रीफिकेशन किसके साथ होगा, ग्लिसरॉल के साथ। ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। बेटा एंजाइम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, काफी क्वेश्चन आते हैं एंजाइम से। एंजाइम की बात करें तो आप जानते हो एंजाइम की रफ स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये एंजाइम है, ये एक्टिव साइट होती है जहां पर कौन बाइंड होता है बेटा, ये सबस्ट्रेट। ओके, सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। फिर इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट इसने डाले, अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया है। आपके एनसीईआरटी में कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर का एग्जाम्पल दे रखा है, इनहिबिशन। क्या होता है इनहिबिशन, जो इनहिबिटर्स होते हैं केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो एंजाइम के साथ बाइंड होंगे और उसकी एक्टिविटी को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, शट ऑफ कर देंगे, दीज आर कॉल्ड इनहिबिटर। इनहिबिटर्स मे बी बाइंड विद एंजाइम आइदर एट द एक्टिव साइट और अदर देन द एक्टिव साइट। एक्टिव साइट से बाइंड होंगे अगर तो उनको बोलते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, और अदर देन एक्टिव साइट बाइंड हो रहे हैं तो उनको बोलते हैं नॉन कॉम्पिटेटिव, और एक एग्जाम्पल और आता है अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। ओके, अब यहां जाओ, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इसने बोला कि कौन सा करेक्ट नहीं है, सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम एट इट्स एक्टिव साइट। बिल्कुल सही बात है, सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम एट द एक्टिव साइट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड जो ऑप्शन है, देखो एडिशन ऑफ लोट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है बेटा, जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है बेटा, ये याद होने चाहिए आपको। देखो एनसीईआरटी में सब कुछ दे रखा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है उसका कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर कौन होता है बेटा, मेलोनेट। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से भी तो आ सकता है, अपन पूरे टॉपिक की बात कर रहे हैं। मेलोनेट इसका क्या है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है, और आप जानते हो मेलोनेट जब भी इससे बाइंड होगा एक्टिव साइट से तो ये केएम वैल्यू को क्या कर देता है, इंक्रीज करवा देगा, उसकी एफिनिटी को क्या कर देगा, सबस्ट्रेट की और एंजाइम की एफिनिटी को कम करवा देगा। मेलोनेट जो है उसका लेवल ज्यादा हो गया तो ये इसकी एक्टिव साइट से बाइंड हो जाएगा, और अगर इसका जो रियल सबस्ट्रेट है वो कौन है, सक्सिनिक एसिड, अगर सक्सिनिक एसिड का लेवल वापस ज्यादा हो जाता है तो ये वापस इसको क्या करेगा, रिवर्स कर देगा इसके इफेक्ट को, क्योंकि सक्सिनिक एसिड ज्यादा हो गया तो कॉम्पिटिशन फिर ये भी करेगा और ये इसका रियल सब्सट्रेट है, बाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ लोट ऑफ सक्सिनेट डज नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाई मेलोनेट, तो गलत हो गया, ये उसके इफेक्ट को रिवर्स कर देता है। इसने बोला डज नॉट रिवर्स, तो स्टेटमेंट तो यही हो गया, आपको रॉन्ग सेलेक्ट करना था। फिर भी बाकी के स्टेटमेंट देखें, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर बाइंड द एंजाइम एट साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द विच बाइंड द सबस्ट्रेट, सही हो गया, अभी बताया मैंने। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर कहां बाइंड होंगे, एक्टिव साइट के अलावा अदर जो पार्ट है वहां जाके बाइंड होते हैं। एक्टिव साइट से बाइंड तो कौन होगा, जो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर होता है। ओके, मेलोनेट इज ए कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर ऑफ द सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, बिल्कुल सिंपल। देखो एक क्वेश्चन में, यहां इस क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन डिजाइन हो रहे हैं और इसी के ऊपर और भी क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। ओके, तो ये बाकी के स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट, जो आपका आंसर है नॉट करेक्ट विद द रेस्पेक्ट ऑफ द एंजाइम एक्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, बच्चे को याद है बेटा नॉन रिड्यूसिंग जो है कार्बोहाइड्रेट कौन है, सुक्रोज, माल्टोज डाइसेक्राइड रिड्यूसिंग है, लैक्टोज डाइसेक्राइड रिड्यूसिंग है, राइबोज 5-फॉस्फेट तो मोनोसेक्राइड है, ऑब्वियसली रिड्यूसिंग होगी। जो सुक्रोज है वो क्या है, नॉन रिड्यूसिंग, क्योंकि आप बेटा जानते हो जो सुक्रोज है मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, और ग्लूकोज फ्रक्टोज में बॉन्ड होता है 1-2, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड कार्बन, तो 1-2 जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है उसकी वजह से इसका एल्डिहाइड ग्रुप और इसका जो कीटोन ग्रुप है वो कहां जाएंगे बेटा, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या हो जाएंगे, एंगेज हो जाएंगे, और एंगेज होते ही आप बताओ रिड्यूसिंग रहेगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, नॉन रिड्यूसिंग। सीधा याद करना, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, उसका एक एग्जांपल पूछता है सुक्रोज। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ओके, एंजाइम दैट कैटालाइज द लिंकिंग टूगेदर ऑफ टू कंपोनेंट्स आर, टॉपिक कौन सा है, एंजाइम में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ द एंजाइम।
आप जानते हो एंजाइम्स आर क्लासिफाइड इनटू सिक्स मेजर क्लासेज ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज, वे जिस प्रकार की अभिक्रिया को प्रेरित करते हैं उसके आधार पर उनको छह वर्गों में, सिक्स क्लासेज में डिवाइड कर रखा है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, इससे क्वेश्चन अटैक कर सकता है वो, तो ध्यान दे कौन कौन सी सिक्स क्लासेज हैं। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, याद करके जाना है आपको। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइसेज, आइसोमरेज और लाइगेज। कितनी हो गई ये आपकी? सिक्स क्लास हो गई। अब बताओ मुझे ऑक्सीडोरिडक्टेज फर्स्ट क्लास, सेकंड कौन सी है, ट्रांसफरेज थर्ड कौन सी है, हाइड्रोलेज और फोर्थ क्लास कौन सी है, लाइसेज फिफ्थ क्लास कौन सी, आइसोमरेज और सिक्स क्लास कौन सी है, लाइगेज। अलग अलग क्या है टाइप की अभिक्रिया को ये क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। अब बताओ That catalyze the linking together of two components, जो दो components को, दो subset को आपस में क्या करते हैं, link करते हैं, उनको bind करते हैं। तो linking वाला काम कौन से class के enzyme करेंगे बेटा? Ligands वाले। Okay? ये topic जरूर देखना है। Oxidoreductase class के enzyme क्या करेंगे आप जानते हो? Oxidation reduction। Transferase ये group transfer करेंगे दो substrate के बीच में। Hydrolase hydrolytic enzyme है जो जल अपघटन करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। लाइसेज ये ब्रेक डाउन करेंगे अदर देन द मैकेनिज्म ऑफ द हाइड्रोलाइसिस। आइसोमरेज जो आइसोमर बनाएंगे। ओके, तो यहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस रहते हैं। तो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लाइगेज, जो लिंकिंग का काम करते हैं। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा। आपके जो चारगाफ रूल्स हैं उसके बेसिस पे पूछा गया है। चारगाफ रूल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता रहता है। इसने बोला एक सी अर्चिन है, उसका डीएनए विच इज डबल स्टैंडर्ड, उसमें 70% ऑफ द बेसेज वर शोन टू बी साइटोसिन। साइटोसिन कितना है? 70% है। अब ये बाकी के जो बेसेज है उसके अकॉर्डिंग आप बात कर सकते हो। तुम्हें पता है चारगाफ रूल, ए जो है टी के इक्वल होगा, जितने एडिनिन होंगे डीएस डीएनए में उतने ही थाइमिन होंगे, जितने ग्वानिन होंगे उतने क्या होंगे, साइटोसिन। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग आप कर लो। तो साइटोसिन 17% है, तो ग्वानिन भी कितना होगा बेटा? 17%। टोटल कर लो, 100 में से माइनस कर लो, परसेंटेज पूछी है। ओके, 100 माइनस 34 कितना आ जाएगा? 66, जिसमें 33% एडिनिन और 33% थाइमिन। अब इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन पे जाएं, पता लग जाएगा आपको ग्वानिन कितना है, 17% एडिनिन ये और थाइमिन ये। आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, सेलेक्ट आउट करना है। देखो एंजाइम से क्वेश्चन आ गया फिर से। द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर डिक्रीज द के एम ऑफ द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था बेटा, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर जब भी आएगा वो के एम वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज करता है ना कि डिक्रीज। इसने बोला है इनकरेक्ट कौन सा है, तो अपना तो इनकरेक्ट पहला ही हो गया, बिल्कुल इनकरेक्ट। ये कह रहा है डिक्रीज द केएम ऑफ द एंजाइम, तो यहां क्या होना चाहिए था, इंक्रीज। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिल गया। बाकी के स्टेटमेंट और देखें। ए कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर रिएक्ट रिवर्सिबली विद द एंजाइम टू फॉर्म एंजाइम इनहिबिशन कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही है, अभी जस्ट डिस्कस किया था। इन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंज्ड बाय द एंजाइम, बिल्कुल सही है। जो एंजाइम है उसके साथ अगर इनहिबिटर आके बाइंड हो गया तो एंजाइम इनहिबिटर में कोई चेंज नहीं करेगा, इनहिबिटर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, ये तो इनहिबिटर उसके साथ बाइंड रहेगा। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, द कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो इनहिबिटर जो है एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है उसकी रेट को भी चेंज नहीं करता, क्योंकि इनहिबिटर अपना काम करेगा। अगर सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड है तो इनहिबिटर उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट हैं बेटा। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका इनकरेक्ट, बाकी के स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। ओके, द टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंक टुगेदर बाई, बहुत पेटेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन की बात करें दो चेन है बेटा मैच्योर में, ए चेन और बी चेन, दोनों चेन के बीच में होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। देखो बेटा ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, पूछ सकते हैं ए चेन और बी चेन में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है, दो डाइसल्फाइड बॉन्ड, और एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है
HN में होता है। तो टोटल कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है? तीन है। HN BCN के बीच में कितने हैं? दो हैं। ओके, इसने तो सिंपल पूछा है, टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ एमिनोसिलिन आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ऑप्शन देखें, डाइसल्फाइड ब्रिज। ओके, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द मोस्ट फंजाई इज, देखो यही क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया 2016 में, जो फंजाई है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा? काइटिन की। तो सीधा आंसर करो यहां पर, काइटिन। ए नॉन प्रोटीनिशियस एंजाइम इज, मोस्टली ऑल ऑफ मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। एक्सेप्शन क्या है आपको पता है बेटा? राइबो जाइम। राइबोजाइम जो है वो क्या होता है? आरआरएनए। और आरआरएनए के एग्जांपल याद करके जाना बेटा, 23S आरआरएनए एंड 28S आरआरएनए। आरआरएनए है लेकिन इनमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी है जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। तो बाकी के तो क्या है, ये प्रोटीन नेचर के हैं, लेकिन ये राइबोजाइम क्या है? नॉन प्रोटीन बोले तो आरआरएनए। ओके, आंसर इज फर्स्ट। Which of the following is the least likely to be involved in stabilizing the three-dimensional folding of most protein? अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी और टर्शरी और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। जो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है उसमें आप जानते हो बेटा थ्री डायमेंशनल व्यू होता है, इसमें बहुत सारे बॉन्ड होंगे, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोफिलिक इंट्रैक्शन, वैन डर वाल इंट्रैक्शन, आयोनिक इंट्रैक्शन, इसके अलावा डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बन जाएंगे इसके अंदर। ओके, लेकिन यहां पर एस्टर बॉन्ड जो है वो नेग्लेजिबल है, एस्टर बॉन्ड का कोई रोल नहीं। और इसने यही पूछा है, अधिकांश प्रोटीन में त्रिविमीय वलन को स्थिर रखने में कौन सी बहुत कम संभावना है? तो एस्टर बॉन्ड आपने कहीं नाम ही नहीं सुना होगा प्रोटीन में। हाँ, बाकी के हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहां पर आंसर क्या होगा आपका? एस्टर बॉन्ड्स। अच्छा ग्राफ एनसीईआरटी का बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द गिवन ग्राफ करेक्टली। देखो सबसे पहले अपन ग्राफ की बात कर लेते हैं। इस ग्राफ में इधर तो लिया है पोटेंशियल एनर्जी इस एक्सिस पर, और इधर लिया है द प्रोग्रेशन ऑफ द रिएक्शन। ओके, यहां देखो ये सबस्ट्रेट है और यहां पर बात कर रहा है किसकी? प्रोडक्ट की। तो ये देखो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, ये जो लेबल कर रखा है ये क्या है बेटा? यहां ये ट्रांजिशनल स्टेट आ गई। इसमें जो गैप है सबस्ट्रेट और ट्रांजिशनल स्टेट जो है उसमें जो गैप है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी जो है, एक्टिवेशन एनर्जी यहां विदाउट एंजाइम है और यहां पर क्या है बेटा? विद एंजाइम। एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, तभी तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी को एंजाइम क्या कर रहा है? डिक्रीज कर देता है। उसके अकॉर्डिंग अब आप चले जाओ, आपके एनसीईआरटी का डायग्राम था, देखो अब आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हो, यहां सबस्ट्रेट की एनर्जी और ये प्रोडक्ट की एनर्जी। तो बेटा यहां पर सबस्ट्रेट की जो एनर्जी है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है। तो ऑब्वियसली ये क्या होगी? एक्जोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो जहां एक्जोथर्मिक है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। देखो एक्जोथर्मिक रिएक्शन सही है, एंडोथर्मिक ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, एक्जोथर्मिक मे भी हो सकता है, एंडोथर्मिक इसको छोड़ो, दो ऑप्शन आ गए। एक्जोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी, ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, बी इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम। बिल्कुल सही है, देखो ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, बी इन द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम। तो आंसर तो आपका पहला ही हो गया, ये लो। ये क्यों नहीं होगा थर्ड वाला? एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी, ए इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम, बी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो यहां पर स्टेटमेंट गलत हो गया, ए जो है वो एंजाइम की प्रेजेंस में है और बी जो एंजाइम की एब्सेंस में है। ओके, तो आंसर इज फर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस ऑफ द एंजाइम। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, देखो बेटा एग्जाम में बेटा ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूं होलो एंजाइम की, तो होलो एंजाइम जो है उसमें दो पार्ट है, एपो एंजाइम प्लस को फैक्टर। एपो एंजाइम जो है वो प्रोटीन पार्ट होता है, सब जानते हो, और जो को फैक्टर है वो नॉन प्रोटीन पार्ट है। क्या है ये? नॉन प्रोटीन पार्ट। दीज आर क्रूशियल फॉर द एंजाइम एक्टिविटी। तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा होलो एंजाइम, एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम नहीं होगा, होलो एंजाइम, को एंजाइम, को फैक्टर, कोएंजाइम। अब इसके अकॉर्डिंग देखो इसने दिमाग लगाया, होलोएंजाइम इज इक्वल टू एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर। कोफैक्टर जो है वो आप जानते हो तीन टाइप के हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयन। बेटा ये कॉन्सेप्ट है सारे, इनको कवर करके जाना, इनसे बाहर कुछ नहीं आता है। अब चलो
होलोएंजाइम इज इक्वल टू एपोएंजाइम प्लस कोएंजाइम. तो होलोएंजाइम एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कोफैक्टर ये कोएंजाइम जो है कोफैक्टर का है तो एग्जांपल है ना, तो आपका आंसर ये हो जाएगा. ये रहा, ये नहीं हो सकता कोएंजाइम इज इक्वल टू एपो प्लस होलोएंजाइम, गलत ही हो गया. होलोएंजाइम इज इक्वल टू कोएंजाइम प्लस कोफैक्टर, ये तो सेम ही हो गए. एपोएंजाइम इज इक्वल टू होलोएंजाइम, ये भी गलत हो गया. तो आंसर इज फर्स्ट. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक, स्ट्रक्चरल क्वेश्चन आ गया बेटा. प्रोटीन जो है आप जानते हो पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, पॉलीसेकेराइड पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बट लिपिड्स जो है बेटा वो पॉलीमर नहीं होते, याद रखना. लिपिड्स क्या होते हैं? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के क्या है, ये कंडेंस्ड प्रोडक्ट है, इनमें पॉलीमराइजेशन नहीं होता. बहुत सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है. आंसर हो जाएगा आपका लिपिड. Which of the following RNA should be most abundant in animal cell? क्वेश्चन आ चुका है बेटा इस पैटर्न पे, और भी क्वेश्चन तो आ सकते हैं, इसलिए अपन पूरी बात कर लेते हैं. अगर मैं RNA की बात करूं तो मेजर जो फिजियोलॉजिकल RNA आप जानते हो बेटा, RRNA, tRNA एंड mRNA. इसने अबंडेंस की बात की है, तो मोस्ट अबंडेंट जो RNA होता है वो कौन होता है? RRNA, जो अबाउट 85% है. tRNA 10-15%, mRNA अबाउट 5%. तो आंसर बताओ, मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल, तो आंसर विल बी फोर्थ, RRNA. द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर आर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा. जो शुगर है उनके फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो आप जानते हो कौन कौन से हो सकते हैं शुगर में फंक्शनल ग्रुप. कार्बोहाइड्रेट है ना ये, तो कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है, कीटोन ग्रुप भी हो सकता है, होते कि नहीं होते, OS ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ पर देखो इसमें किस पे जाओगे आप, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये फॉस्फेट नहीं होगा, मिथाइल ग्रुप नहीं होते हैं, तो आंसर इज सेकेंड, स्ट्रक्चरल क्वेश्चन हो गया. ओके ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन नंबर 18. ओके बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है. Which of the following glucose transporter is insulin dependent? तो insulin के लिए जो main होता है वो कौन है बेटा? एक example है तुम्हारी NCERT में, GLUT4, direct answer आपको याद रखना है. कौन cannavalin A is? ये question कहाँ से है? आपके biomolecule में secondary metabolite, जिसमें एक table दे रखी है, उस table में secondary metabolite के examples हैं. सारे एग्जाम्पल याद होने चाहिए बेटा. इसने पूछा है कौन कैनावेलिन ए इज, तो कौन कैनावेलिन ए क्या है बेटा? ये लैक्टिन का एग्जाम्पल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिन. प्यूरिन्स फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए आर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो यही है कॉन्सेप्ट जहां से क्वेश्चन डिजाइन करता रहता हो. तो आप जानते हो बेटा जो प्यूरिन्स हैं उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एडिनिन और ग्वानिन. और पिरिमिडिन के एग्जाम्पल कौन? साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरेसिल. अभी कह रहा है प्यूरिन्स फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, कौन से प्यूरिन है जो डीएनए आरएनए दोनों में कॉमन होते हैं? तो एडिनिन और ग्वानिन जो है ये प्यूरिन है, दोनों ही जो है वो आरएनए डीएनए में क्या है? कॉमन है. तो आंसर क्या हो जाएगा? एडिनिन एंड ग्वानिन. ओके बेटा अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21. ओके कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देखो दो स्टेटमेंट दिए हैं, असर्शन और एक बी वाला ऑप्शन दिया है. AR नहीं है यहां पर, सिंपल स्टेटमेंट दे दिए. कोएंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप. बिल्कुल सही है बेटा, जो टाइटली बाउंड है ना, जो भी कोफैक्टर टाइटली बाउंड है तो उसको अपन प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल सकते हैं. टाइटली बाउंड जो परमानेंटली बाउंड हो जाए तो उसको बोल देंगे फिर अपन प्रोस्थेटिक ग्रुप. बिल्कुल सही है बेटा, एग्जाम में आया हुआ इसका आंसर भी. इस स्टेटमेंट को बिल्कुल करेक्ट मानना है आपको. A complete catalytic active enzyme with its bound prosthetic group is called apoenzyme. नहीं, वो होलोएंजाइम होना चाहिए बेटा. अगर prosthetic group bind है, वो enzyme हो गया, apo के साथ bind हो गया, तो उसको क्या बोलोगे आप? होलोएंजाइम. इसने क्या बोला? It's called apoenzyme. तो statement क्या हो गया? ये incorrect. तो उसके according देखो, ये true है और ये क्या है? False है. A is true, but B is false. तो यहाँ answer क्या होना चाहिए आपका? Fourth. Okay? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. देखें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा? एडिनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. गलत हो गया बेटा, जानते हो एटी में 2 हैं और जीसी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं. एडिनिन डज नॉट पेयर विद थाइमिन, ये भी गलत हो गया, पेयर करता है. एडिनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, आंसर इज थर्ड. ओके
आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन आ जाता है बेटा, बेसिक अमीनो एसिड बताएं कौन सा है, बेसिक कौन से होते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन एंड स्टिडिन। तो यहां पर देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लाइसिन हो जाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रेस्पेक्टिवली देयर स्ट्रक्चर। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसमें होते हैं बेटा, पता है ना ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसमें होंगे, कार्बोहाइड्रेट, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो देखो यहाँ पर सेलुलोज, काइटिन, इनुलिन, ग्लिसरॉल, तीनों ही स्टार्टिंग में क्या है, पॉलीसैकेराइड है। लेकिन आपको जाना है फिर अगले पे क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड किसमें होगा बेटा, प्रोटीन में होगा, तो अगला क्या होना चाहिए, प्रोटीन। अब देखो यहाँ प्रोटीन नहीं है, ये प्रोटीन है, इंसुलिन आ गया, ये ग्लिसरॉल हो गया, तो यहाँ ये नहीं हो पाएगा, ये कोलेस्ट्रॉल, काइटिन, तो कोलेस्ट्रॉल में क्या नहीं होगा, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो इनुलिन पॉलीसेकेराइड है और इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड। पहला क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ देख लो इनुलिन आ गया, सेकंड प्रोटीन, प्रोटीन में एग्जाम्पल कौन सा दिया है, इंसुलिन, इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, बिल्कुल सिंपल है बेटा, कौन होगी, कोलेजन। ये दो क्वेश्चन बनते हैं इससे, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन अर्थ, ऑन अर्थ प्लांट किंगडम रूबिस्को, और एनिमल किंगडम पूछ ले तो कोलेजन। कॉलम मैचिंग के हैं, सिंपल क्वेश्चन है बेटा, मैच द फॉलोइंग, मैच करने आपको, इनिबिटर ऑफ द कैटालिटिक एक्टिविटी, इनिबिटर कौन सा है, अभी बताए थे सभी, मेलोनेट, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड किस में होगा बताएं आप, कोलेजन में, प्रोटीन में, सेल वॉल मटेरियल, फंजाई, काइटिन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, रिसिन हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप आंसर मैच करें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन सा नहीं है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट और प्राइमरी, प्राइमरी मेटाबोलाइट कौन होते हैं बेटा, जो बनेंगे और जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस उनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अमीनो एसिड और ग्लूकोज, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है बेटा, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है। तो आपका आंसर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या है सारे, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मैच करना है प्रोटीन को, मैच करो बेटा, किससे मैच करोगे प्रोटीन, ये लो वही बार बार क्वेश्चन आ रहे, देखो पेप्टाइड बॉन्ड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होगा, डबल बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच में, न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड सीधा करो यहाँ, और पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, गलत नहीं होने चाहिए, ओके। फिर मैचिंग वाला आ गया, ग्लाइकोजन को मैच करें, सीधा ग्लाइकोजन को किससे मैच करना है बेटा, बोलो, स्टोरेज प्रोडक्ट में आ जाएगा ग्लाइकोजन, ये रहा स्टोरेज। ग्लोब्यूलिन, ग्लोबुलिन किसमें आ जाएगा बेटा, एंटीबॉडी, ग्लोबुलिन प्रोटीन है ना, स्टीरोइड ये हार्मोन, और थ्रोम्बिन बायो कैटालिस्ट, कर लोगे, बिल्कुल सिंपल है। एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड इज कंपोज्ड ऑफ, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बेटा, किसका बना होता है, काइटिन का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए बेटा। डिहाइड्रेशन क्रिया, ग्लूकोज के दोनों को जोड़ दो बेटा, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बन जाएगा, माल्टोज, ग्लूकोज और ग्लूकोज माल्टोज, आप जानते हो माइनस क्या होगा, H2O, कंडेंसेशन होता है ना, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर अपन बात करें C6H12O6, उधर भी यही होगा, माल्टोज बनेगा, तो क्या होना चाहिए बेटा, दोनों को जोड़ो माइनस H2O कर दो, तो यहाँ डबल कर दो, केवल H2O रिलीज करना आपको, कार्बन कितने हो जाएंगे 12, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 24, लेकिन इसमें दो माइनस कर दो 22, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन कम कर दो 6 × 12 = 11। अब देखो आंसर आपका C12H22, ये रहा H22O11, आंसर इज सेकंड। स्टेटमेंट है रीड करने हैं आपको, और करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करना है आपको ऑन लिपिड्स, ओके। लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ग्लाइकोलिपिड, ये गलत हो गया बेटा, मैं यही मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि ये ग्लाइकोलिपिड नहीं है, ये फॉस्फोलिपिड है। सैचुरेटेड फैटी एसिड पजेस वन और मोर CC डबल बॉन्ड, गलत हो गया बेटा, सैचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड नहीं होंगे, क्योंकि सैचुरेट है वो, उसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। जिंजली ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट हेंस रिमेन ऑयल इन द विंटर, बिल्कुल सही है, जो ऑयल है उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और जो फैट है उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, और तभी देखो विंटर में भी ऑयल की फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में रहते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लिपिड्स आर जनरली इनसोल्युबल इन वाटर बट सोल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, करेक्ट है।
व्हेन फैटी एसिड इज एस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड आर फॉर्म, बिल्कुल सही है, अभी बताया था मैंने, एक ग्लिसरॉल एक फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड। तो देखो यहाँ फाइंड आउट करो करेक्ट कौन से हो गए, सी डी ई, ऑप्शन पे जाओ सी डी ई ओनली, ये सेकंड हो जाएगा। और देखो कितना सिंपल है, ए इनकरेक्ट है, आप जानते हो ये टाइम बचाने के तरीके होते हैं, ए जो है इनकरेक्ट हो गया तो सीधी सी बात है तीन ऑप्शन में ए ए ए है तो बचा क्या, यही होगा, दिमाग ही नहीं लगाना इसका, आपकी स्पीड को भी बढ़ाना होता है एग्जाम में बेटा, इसलिए थोड़ा ट्रिकी दिमाग लगाओ ताकि आप जो है टाइम को वेस्ट ना करें। वही मैचिंग वाला आ गया, सीधा मैच करते हैं अपन, एडिनिन प्यूरिन, एंथोसाइनिन पिगमेंट, काइटिन क्या है पॉलीसेक्राइड, और कोडिन क्या है एल्कलॉइड। देखो ये क्वेश्चन वही बार बार वही रिपीट हो रहे हैं, कोई मैचिंग में आ रहा है, कोई स्टेटमेंट में आ रहा है, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहा है, टॉपिक वही घूम रहे हैं, एनसीईआरटी के बाहर कुछ नहीं आ रहा बेटा। प्राइमरी प्रोटीन आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड बिकॉज प्राइमरी प्रोटीन कौन होती है बेटा, जिसमें अमीनो एसिड का जी सीक्वेंस है, देखो अमीनो एसिड ओनली पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, इसको अपन बोल देते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाए, दे आर पॉलीमर ऑफ पेप्टाइड ना, दे कैन अज्यूम मेनी कन्फर्मेशन सक्सेसिव अमीनो एसिड आर ज्वाइंड बाई पेप्टाइड बॉन्ड, उसको अपन बोल देंगे प्राइमरी प्रोटीन। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, अमीनो एसिड्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ आयनाइजेबल नेचर ऑफ NH2 CH ग्रुप हेंस हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट डिफरेंट pH, बिल्कुल सही बात है बेटा, स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल करेक्ट है, pH वेरी करेगी तो आयनाइजेबल प्रॉपर्टी भी क्या होगी वेरी होगी। अमीनो एसिड कैन एग्जिस्ट एट ज्विट्राइनिक फॉर्म एट एसिडिक और बेसिक pH, बिल्कुल सही है, जो अमीनो एसिड होते हैं वो एक स्पेसिफिक pH पर ज्विट्राइनिक फॉर्म में होंगे, वो जो pH है वो वेरी करती है, किसी के लिए एसिडिक है किसी के लिए बेसिक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर क्या हो जाएंगे स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। ओके, ये वही चार ग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया बेटा, एडिनिन जो है वो 30% है और साइटोसिन है 20% है, पूछा है थाइमिन, तो थाइमिन कितना होगा बेटा 30% और ग्वानिन कितना हो जाएगा 20%, कितना इजी क्वेश्चन है, थाइमिन 20 ग्वानिन, थाइमिन 30 और जो ग्वानिन है वो जाएगा 20%, आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। ओके, तो ये आपके हो गए मॉलिक्यूलर के क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल के। अब मॉलिक्यूलर के क्वेश्चन अब स्टार्ट होंगे, नेक्स्ट जो है आपका स्टार्ट करेंगे अपन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, जो क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं उन सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो बात करें बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, द डायग्राम शो एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द जेनेटिक इंप्लीकेशन ऑफ DNA, फिल द ब्लैंक्स A to C। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको याद होगा बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रल डोगमा। यहां पर ए कौन है, ट्रांसक्रिप्शन, बी क्या है ट्रांसलेशन, और प्रपोज्ड बाई पूछा है तो किसने प्रपोज किया था इसको, क्रिक ने, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे। ए रिप्रेजेंट ट्रांसक्रिप्शन DNA टू RNA एंड बी रिप्रेजेंट द प्रोटीन सिंथेसिस, बोले तो ट्रांसलेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम mRNA। ओके, एंड प्रपोज्ड बाई क्रिक हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन वॉज डिस्कवर्ड बाई, सिंपल क्वेश्चन देखो बेटा, डिस्कवर्ड बाई फ्रेडरिक ग्रिफिथ, आंसर इज थर्ड। जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो ट्रांसफॉर्मेशन जो मेथड है, वो किसने डिस्कवर किया था, ग्रिफिथ ने। आपके एनसीईआरटी में जो एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं बेटा, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, उसके बाद में मैकलियोड, एवरी मैकाल्टी एक्सपेरिमेंट और हर्सेन चेस एक्सपेरिमेंट, क्वेश्चन आते रहते हैं बेटा, अभी मिलेंगे आपको। देखो वही क्वेश्चन आ गया जो भी मैंने डिस्कस किया था बायोमोलिक्यूल में, सेम क्वेश्चन है, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल का भी है और मोलिकुलर में भी ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। आंसर आ गया था इसका, द फाइनल प्रूफ ऑफ DNA जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्सेन चेस। DNA आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसका जो कन्फर्मेटरी एविडेंस आया था वो किसने दिया था, हर्से और चेस ने, जिन्होंने वायरस बैक्टीरियोफेज पर क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैचिंग वाले क्वेश्चन वैसे सिंपल होते हैं। ये देखो मिजेलसन और स्टॉल, ये किससे रिलेटेड है बेटा, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो DNA का सेमी कंजर्वेटिव मोड है उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, और किसके ऊपर किया था, इकोलाई काम में लिया था। अब यहां पर देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मैचिंग करनी है, मिजेलसन स्टॉल को किस से मैच करोगे, इधर दे रखा है पाइसम सटाइम लैकोपेरोन TMV टोबेको मोजेक वायरस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। अब ये जो भी साइंटिस्ट है उनके अकॉर्डिंग इनको मैच करना है, यहाँ पर दे दिया आपको, देखो इधर एलेक्स जेफरीज
उसका रिलेशन किससे है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से। अब इसने पूछा है करेक्ट मैच को आपको क्या करना है, सेलेक्ट आउट करना है जो करेक्ट है। अब बताओ मैथ्यू मिजेलसन और स्टॉल ने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, ई कोलाई पर, यहां दे दिया पाइसम सेटावियम, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट मैच हो गया। जेकब और मोनार्ड जो है उन्होंने लेकोपेरॉन को डिस्कवर किया था, जेकब और मोनार्ड ने, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आगे दे दिया लेकोपेरॉन, ये करेक्ट मैचिंग होगी। ये हर्षे और चेस हैं, उन्होंने कौन से वायरस पर, बैक्टीरियोफेज पर वर्क किया था, इन्होंने दे दिया टीएमवी, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अलेक जेफरी जो है उसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप की थी टेक्निक, यहां दे दिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, जिसका लेना देना नहीं, इनकरेक्ट हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। तो ये सेकंड वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट मैचिंग में आ गया। कंप्लीट द फ्लो चार्ट देखो, वो ही आ गया आपका जो सेंट्रल डोगमा, उससे बार बार क्वेश्चन आता है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, ये क्या हो जाएगा बेटा, भी बताया था ट्रांसक्रिप्शन, और ये क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन। ओके ए पूछा है, और ये देखो ये कैपिटल ये स्मॉल ए दे दिया, वहां पर ये बी दे दिया, तो इसके अकॉर्डिंग देखो ए क्या है, कर लोगे ना, ये बी किसे रिप्रेजेंट करोगे, ये वाला बी, ये हो जाएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन, और सी क्या है, ये ट्रांसलेशन, और डी क्या बन जाएगी, आपकी प्रोटीन बन जाएगी। तो देखो इधर डी देखो प्रोटीन किसमें है, यहां पर भी दे रखी है, यहां पर भी दे रखी है, यहां पर भी दे रखी है। अब सीधा जाओ बी पे, बी मतलब ट्रांसक्रिप्शन, तो आ जाओ बी कहां दे रखा है बेटा, बी बी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये देखो इन दोनों में। अब आ जाओ आप सी पे, सी क्या है ट्रांसलेशन रेप्लिकेशन, ये ट्रांसलेशन यहां दे दिया, और ए क्या है डीएनए से जो डीएनए बनता है उसको अपन क्या कहते हैं रेप्लिकेशन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। बिल्कुल सिंपल है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना कि जल्दीबाजी में गलती नहीं करनी है, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन फिर ट्रांसलेशन, और डी क्या बन जाएगी आपकी प्रोटीन बन जाएगी। ओके नेक्स्ट डीएनए की लेंथ सब जानते हो बेटा, याद है जो अपने अंदर सेल में टोटल जो डीएनए है उसमें जो बेस पेयर है उनके अकॉर्डिंग डीएनए की लेंथ की बात करें, पता है ना 2.2 मीटर, टोटल कितने हैं 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। अब इसने पूछा क्या है, अगर डीएनए मॉलिक्यूल जो है उसकी 1.1 मीटर लेंथ है तो बताओ उसमें बेस पेयर कितने होंगे, कैलकुलेट नहीं करना, कॉन्सेप्ट से हो जाएगा। तो 2.2 मीटर है ना, 1.1 की बात करें तो हाफ कर दो, 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। ऑप्शन देखें कहां पर है, ये रहा 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। 10 इकोलाई सेल, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, मिजेलसन स्टॉल एक्सपेरिमेंट का है, इसने स्टार्टिंग कहां से की है, इकोलाई सेल ली है बेटा, कितनी 10 ली है। ओके 10 सेल से ये कहानी स्टार्ट कर रहे हैं, पहले उसको किसमें विद N15DS डीएनए इनक्यूबेटेड इन मीडियम कंटेनिंग N14 न्यूक्लियोटाइड, जो सेल आपने स्टार्टिंग में लिए उनमें डीएनए कैसा है, हैवी डीएनए है, देखो मेंशन किया है N15 हैवी डीएनए युक्त है। अब उनको आगे क्या कर रहा है, वो N14 मीडियम में क्या कर रहा है, ग्रो करवा रहा है। तो बड़ा सिंपल फंडा है, एक इकोलाई सेल है उसमें अगर N15 है ये डीएनए, आपने क्या किया उसको N14 मीडियम में अगर ग्रो करवाओगे तो एक से कितने बनेंगे बेटा, 2 बनेंगे। मिजेलसन स्टॉल एक्सपेरिमेंट, सेमी कंजर्वेटिव मोड लगी जाएगा इसमें, इसमें डीएनए, इसमें डीएनए, क्या हो जाएगा बेटा ये हाइब्रिड हो जाएगा, 1 से 2 पहली जनरेशन। इसने क्या बोला, आफ्टर 60 मिनट्स, इकोलाई हर 20 मिनट में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो अगर मैं एक सेल लूं तो 1 से 2, 2 से 4, तो 60 मिनट का मतलब हो गया कि कौन सी जनरेशन आ जाएगी, 60/20 थर्ड जनरेशन 2 की पावर 3, कितने इकोलाई, अगर एक है स्टार्टिंग में तो 2 की पावर 3, 2 × 2 × 2 कितने हो जाएंगे, 2 × 4 × 8। लेकिन इसने अगर सेल ली है कितने बेटा, 10 सेल ली है, कितनी 10 सेल, 10 सेल स्टार्टिंग में ली है, तो 10 सेल, तो देख लो थर्ड जनरेशन में आप डबल कर दो, 10 से पहली जनरेशन में कितनी हो जाएंगी 20, दूसरी जनरेशन में 20 से 40, और थर्ड जनरेशन में 40 से 80। ओके टोटल कितनी 80 सेल्स। अब ये पूछ रहा है इकोलाई सेल विद है डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम N15, वो कह रहा है कि N15 उनमें नहीं होना चाहिए, तो आप बेटा जानते हो जो हाइब्रिड हैं केवल 2 ही रहेंगे, केवल 2 सेल जो हैं उनमें, एक से अगर मैं बात करूं आगे तो उसको ग्रो कराओ, 2 सेल जो है उसमें डीएनए कैसा रहेगा, हाइब्रिड, बाकी हम हाइब्रिड नहीं रहेगा। अब ये स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं, 10 सेल से कर रहे हैं, 10 सेल से, ठीक है, तो 10 × 20, आगे जितने भी सेल होंगे उसमें जो 20 इक्वलाइज सेल है वो क्या होंगी,
हाइब्रिड होंगे, उनमें एन फिफ्टीन भी होगा एन फोर्टीन के साथ, और बाकी क्या है एन फोर्टीन, बोले तो लाइट डीएनए रहेगा। तो 80 में 20 जो है वो तो हाइब्रिड, और सॉरी और जो 60 है वो क्या रहेंगी, बिल्कुल हाइब्रिड फ्री है, एन फिफ्टीन फ्री रहेंगी। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा। इसने बोला कि 60 मीटर पर सारी कोलाई कितनी कोशिकाएं एन फिफ्टीन से पूर्णतया मुक्त होंगी, कितनी होंगी या फिर 60, 80 में से 60 में एन फिफ्टीन नहीं होगा, केवल कितने में होगा 20 में होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 60। ओके, बिल्कुल कॉन्सेप्ट चला, थोड़ा डेटाबेस है, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। देखें, यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, बिल्कुल सही बात है बेटा, यू क्रोमेटिन जो है वो लूजली पैक्ड है। हेटरोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, गलत हो गया बेटा, हेटरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। स्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाई नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, स्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाई नेगेटिव चार्ज डीएनए, बिल्कुल सही बात है, डीएनए पे चार्ज नेगेटिव, स्टोन पे चार्ज क्या होता है पॉजिटिव। ओके, करेक्ट हो गया। स्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, लाइसिन और आर्जिनिन से क्या होती है प्रचुर होती है, सही हो गया। ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेंट 400 बेस पेयर ऑफ डीएनए, ये गलत हो गया बेटा, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए है उसमें 200 बेस पेयर होते हैं। तो हो गया ना, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो आपको क्या करना है, सही कौन से हैं देख लो, ए सी और डी जाए, ए सी और डी ओनली आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। बिल्कुल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, मैचिंग वाला है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखो, बैक्टीरियोफेज 5174 एनसीईआरटी का डेटा है, बैक्टीरियोफेज देखो ये मैच कर दो सीधे, बैक्टीरियोफेज में ये है न्यूक्लियोटाइड 5386, बैक्टीरियोफेज ये बात कर रहा है, लेमडा, लेमडा जो फेज होता है बेटा उसके अंदर होते हैं 48502 बेस पेयर। ई कोलाई के डेटा दे रखे हैं, ये यहाँ मैच कर दो ई कोलाई के डेटा को। हैप्लोइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए बेटा बिल्कुल याद होना चाहिए, अभी बात की थी 3.3×10^9 बेस पेयर, बिल्कुल एनसीईआरटी में एक ही पैराग्राफ में डेटा दे रखे, वहां से क्वेश्चन डिजाइन कर दिया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहां जल्दीबाजी में आप जो है गलत करते हो तो फिर आपकी गलती होगी, बिल्कुल डेटाबेस रहना आपको। ओके, हो जाएगा, मैचिंग मैंने कर दी। इफ डीएनए कंटेंट सल्फर इंस्टेड ऑफ फॉस्फोरस एंड प्रोटीन, देखो कितना क्वेश्चन को डिजाइन किया है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप सभी जानते हो बेटा डीएनए में फॉस्फोरस होता है, सल्फर नहीं होता। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं होगा और सल्फर प्रेजेंट है। अब हर्षे और चेस ने, आपको पता है हर्षे चेस ने फॉस्फोरस और सल्फर को ही रेडियोएक्टिव किया था, उसको डिटेक्ट करने के लिए कि ई कोलाई में डीएनए जाता है या प्रोटीन जाती है। और वो एक्सपेरिमेंट आपको याद है, एंट्री किसकी होती है डीएनए की, और डीएनए में जो फॉस्फोरस को उसने क्या किया था रेडियो एक्टिव, ताकि उसकी जो एंट्री है उसको डिटेक्ट कर लें कि ये डीएनए ई कोलाई के अंदर है या बाहर है। ओके, अब ये कह रहा है कि इफ डीएनए कंटेंट सल्फर इंस्टेड ऑफ फॉस्फोरस, अगर डीएनए में जो फॉस्फोरस उसकी जगह सल्फर होता और प्रोटीन में सल्फर की जगह फॉस्फोरस होता, कोई बात नहीं, इसने अजम्पशन ले लिया। तो फिर वो कह रहा है दैट वुड हैव बीन द आउटकम ऑफ हर्शेस एक्सपेरिमेंट, अगर ऐसा होता तो हर्शेस एक्सपेरिमेंट में क्या होता, तो सिंपल सी बात है, फॉस्फोरस की जगह सल्फर होता डीएनए में तो रेडियोएक्टिव इसको करते, तो जो ई कोलाई उसके अंदर आपको क्या मिल जाता, फॉस्फोरस मिल जाता, वो डिटेक्ट, सॉरी ई कोलाई के अंदर आपको सल्फर जो है वो डिटेक्ट हो जाता, बिल्कुल रिवर्स करना है आपको। तो देखो, रेडियोएक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल, बिल्कुल सही है आंसर, यही हो गया। अगर सल्फर होता फॉस्फोरस जगह तो ई कोलाई में आपको रेडियोएक्टिव सल्फर जो है प्राप्त हो जाता, रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस इन बैक्टीरियल, ये गलत हो गया, ये तो अपने अजम्पशन ये लिया है, नो रेडियो एक्टिविटी गलत, बहुत रेडियो एक्टिव दोनों मिल नहीं सकते, पॉसिबल नहीं। देखो, एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन डिजाइन किया है, री नीट का क्वेश्चन है बेटा, अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाया है, रटने वाला नहीं है, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन हो जाता है, तभी तो इन एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से रीड करना होता है, क्योंकि वो इनसे हाइपोथेटिकल अप्रोच ले लेता है। कर लोगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, बिल्कुल सिंपल है, ट्रांसक्रिप्शन राइटिंग इन्फॉर्मेशन, इसने बोला रॉन्गली मैच्ड कौन सा, राइटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू टीआरएनए, ट्रांसलेशन यूजिंग इन्फॉर्मेशन एमआरएनए टू प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू ऑपरेटर टू स्टॉप द एंजाइम सिंथेसिस, देखो मिक्स कर दिया लाइकोपेरोन को भी, ओपेरोन स्ट्रक्चरल जीन ऑपरेटर प्रमोटर, तो ये देखो मैचिंग सारी सही है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन राइटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू टीआरएनए बोल गया, इन्फॉर्मेशन की अगर बात कर गया तो इन्फॉर्मेशन तो डीएनए से किसमें जाएंगे बेटा,
mRNA में जाएंगी, तो ये क्या हो गया, रॉन्गली मैच्ड हो गया, बाकी क्या है, बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट पहले बताता हूँ आपको। ये डीएनए है बेटा, डायरेक्शन लूँ, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। अगर डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री नया डीएनए स्ट्रैंड बनाना है तो ये टेम्पलेट हो जाएगी, और टेम्पलेट के कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कैसे बनेगा बेटा, इस डायरेक्शन में बनेगा। ये 3 to 5 है, डीएनए की फॉर्मेशन डायरेक्शन क्या होती है, 5 to 3 होती है। तो देख लो डायरेक्शन ऑफ द आरएनए सिंथेसिस, इसने आरएनए की बात कर ली, डीएनए की जगह क्या ले लो आप, आरएनए ले लो, सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों में कॉम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो डायरेक्शन ऑफ आरएनए सिंथेसिस, आरएनए हो या डीएनए सिंथेसिस बेटा, ध्यान रखना डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, 5 प्राइम to 3 प्राइम, बिल्कुल सही है। डायरेक्शन ऑफ द रीडिंग ऑफ टेम्पलेट डीएनए स्ट्रेन, टेम्पलेट डीएनए स्ट्रेन की डायरेक्शन क्या होगी, 3 to 5, और आरएनए फॉर्मेशन हो या डीएनए फॉर्मेशन डायरेक्शन क्या होगी, 5 to 3। तो टेम्पलेट में सीधे 3 to 5 आंसर आपका फर्स्ट ही हो जाएगा, बड़ा सिंपल है। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजा की फ्रेगमेंट्स आर यूज टू इलोंगेट, ये रहे बेटा, ये देखें इधर, ये 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम, यहाँ पर कंटिन्यूस डीएनए स्ट्रेंड का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये ओकाजा की फ्रेगमेंट है डिसकंटिन्यूस, बताओ किधर बने, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क, और ये क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड। तो ये लो ऑप्शन पे जाते हैं, आर यूज टू इलोंगेट द लैगिंग स्ट्रैंड, सही है, टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क गलत हो गया, रेप्लिकेशन फोर्क तो इधर है, ये तो अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क है, लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क, बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। थर्ड, एसोसिएशन ऑफ स्टोन एच वन विद न्यूक्लियोसोम इंडिकेट, बिल्कुल सिंपल हो गया बेटा, ये आपका ऑक्टामर है, इसके साथ डीएनए जो है वो रैप्ड होगा, इसके चारों ओर एसोसिएशन हो गया, और ये एच वन जो है यहाँ पर बाइंड हो जाएगी, इंडिकेट क्या कर रही है ये, एच वन स्टोन एच वन विद न्यूक्लियोसोम इंडिकेट डीएनए रेप्लिकेशन इज अकरिंग, द डीएनए इज कंडेंस्ड इनटू क्रोमेटीन फाइबर, डीएनए डबल हेलिक्स इज एक्सपोज्ड, ट्रांसक्रिप्शन इज अकरिंग, अगर एच वन बाइंड है तो इसका मतलब डीएनए जो है वो क्रोमेटीन फाइबर के फॉर्म में है, डीएनए जो है वो क्रोमेटीन फॉर्म में चला गया, उसका क्या होगी, पैकेजिंग फॉर्म में चला गया, तो ऑब्वियसली डीएनए इज कंडेंस्ड टू द क्रोमेटीन फाइबर, आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड। जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज ऑपेरोन ऑफ इकोलाई दैट इन्वॉल्व लैक आई जीन प्रोडक्ट इज, अच्छा क्वेश्चन बनाया बेटा, जीन रेगुलेशन गवर्निंग लैक्टोज ऑपेरोन ऑफ इकोलाई इन्वॉल्व लैक आई जीन प्रोडक्ट इज, तो इसने बोला जीन रेगुलेशन इज, तो उसकी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको आंसर देना है, किसकी बात कर रहा है, गवर्निंग लैक्टोज ऑपेरोन ऑफ इकोलाई दैट इन्वॉल्व द लैकाइजिन प्रोडक्ट इज, तो बताओ लैकोपेरोन की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए बेटा, लैकोपेरोन जो है वो इंड्यूसिबल टाइप का होता है, नॉर्मली स्विच ऑफ होता है फिर उसको क्या किया जाता है, ऑन किया जाता है, तो ये इंड्यूसिबल हो गया, और ऑफ है तो क्या है, पहले से रिप्रेस्ड है, ये क्या है, रिप्रेस्ड बोले तो नेगेटिवली रेगुलेटेड, तो सीधे आंसर पे जाएं आप, प्रोडक्ट इज नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट ट्रांसक्रिप्शन, नेगेटिव रिप्रेसिबल नहीं होगा, ये इंड्यूसिबल है, याद रखना बेटा, इंड्यूसिबल टाइप का होता है ऑफ से ऑन, और पहले क्या है, ये नेगेटिवली रेगुलेटेड है, तो उसके बाद इसको पॉजिटिव किया जाएगा, ऑन किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा नेगेटिव एंड इंड्यूसिबल बिकॉज रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन। ओके, आंसर इज थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार्टर कोडोन, सबको याद है बेटा स्टार्ट कोडोन कौन होता है, AUG। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज द इंड्यूसर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरोन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, लैक ओपेरोन में जो इंड्यूसर है, इंड्यूसर का काम कौन करता है, लैक्टोज, यहां देखो गैलेक्टोज नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं होगा, इसने बोल दिया लैक्टोज एंड गैलेक्टोज ना, आंसर क्या हो जाएगा आपका, लैक्टोज, लैक्टोज इज द इंड्यूसर ऑफ लैक ओपेरोन। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, नॉन प्रोटीनेसिस एंजाइम इज, सेम क्वेश्चन आ गया बेटा, क्योंकि ये दोनों में पूछा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइबोजाइम, हो चुका है क्वेश्चन पहले डिस्कस, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए एक्ट एज स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज राइबोजाइम, वही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया, राइबोजाइम की तरह का अभी एग्जाम्पल बताए थे मैंने, 23 SRRNA एंड 28 SRRNA, ऑप्शन में यहां पर देखो क्या दिया, 23 वाला दिया, आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑन द वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए व्हिच इज कॉल्ड, तो डीएनए डिपेंडेंट जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा ऑन वन स्ट्रैंड, जिस स्ट्रैंड पे वो यूज करता है, जिसको एज ए टेम्पलेट काम में लेता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सीधा हो गया ना, टेम्पलेट
स्ट्रेंथ. ओके, पता है ना, ये याद रख लेना स्ट्रक्चर, ये प्रमोटर, ये इनिशिएशन रीजन है, ये टर्मिनेटर है, ये अगर 3' है, ये 5' है, तो ये 5', ये 3', ये कौन सी होगी बेटा, ये टेम्पलेट हो जाएगी. टेम्पलेट की डायरेक्शन क्या होगी, 3 to 5 विद रेस्पेक्ट ऑफ प्रमोटर. तो इसने बोला डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विच इज कॉल्ड, इस स्ट्रैंड के कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, जिसको अपन बोल देंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड. डीएनए रेप्लिकेशन इज बैक्टीरिया अकर्स. बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है बेटा, बिल्कुल डिवीजन से पहले. देखो ऑप्शन, विद इन न्यूक्लियोलस, होते नहीं है न्यूक्लियोलस बैक्टीरिया में, प्रियोर टू फ्यूजन, आंसर ये होगा जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन, गलत हो गया. ड्यूरिंग एस फेज नहीं होगा, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट में एस फेज जो है डिफाइन नहीं होती है. तो आंसर क्या होगा, डिवीजन से पहले, फ्यूजन से जस्ट पहले, आंसर इज सेकंड. ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इफ देयर आर 999 बेसेज. देखो आरएनए है, इसमें कितने बेस है बेटा, 999 क्या है, बेस है. तो ऑब्वियसली 999 बेस है, तो यहाँ कोडोन की बात करें तो कोडोन ट्रिपलेट में तो कितने कोडोन होंगे बेटा, 3, 3, 3, ये क्या हो जाएंगे इसमें, ये कोडोन हो जाएंगे फॉर ए प्रोटीन विद, अब 333 कोडोन है, तो ये 333 अमीनो एसिड को क्या करेंगे, कोड करेंगे. एंड द बेस एट पोजिशन, ये क्वेश्चन को समझना बेटा, पोजिशन बोल रहा है 901, जो बेस है उसको अपन ने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया. सीक्वेंस है 901 वाला जो बेस है उसको क्या कर दिया अपने, डिलीट कर दिया. डिलीट होते क्या होगा, आगे की पूरी फ्रेम क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, पहले की नहीं होगी, आगे की फ्रेम जो है वो क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी. सच दैट लेंथ ऑफ द आरएनए बिकम 998 बेस, एक डिलीट होते टोटल बेस कितने हो गए 998. हाउ मेनी कोडोन विल बी अल्टर्ड, तो बेटा 901 के बाद कितने थे टोटल, 999, 901 के बाद एवरेज मान लो आप कितने, 99. तो बेस 99 है तो कोडोन कितने हैं, 33 कोडोन है, तो आगे के जो कोडोन है 33 वो क्या हो जाएंगे, अल्टर हो जाएंगे, उनमें फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा. तो आंसर देखो इसमें क्या होना चाहिए, 901 के बाद कितने हैं टोटल कोडोन, 33, तो अल्टर कितने होंगे, ये 33 हो जाएंगे. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24. डीएनए फ्रेगमेंट्स आर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. जो डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं, जो डीएनए मॉलिक्यूल है, वो क्या होता है बेटा, नेगेटिवली चार्ज होता है, सभी जानते हैं उस पर ऋण आवेश पाया जाता है. तो सीधा आंसर करो ना, नेगेटिवली चार्ज्ड. डीएनए पर आवेश क्या होता है, ऋण आवेश, कारण फॉस्फेट समूह की उपस्थिति. विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल, बेटा देखो बायोमोलिक्यूल से फिर रिपीट हो रहा है. एक मैंने बताया था एक क्वेश्चन बिल्कुल कॉमन है, इधर भी आ सकता है उधर भी आ सकता है. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, अबंडेंट की बात कर रहा है आर आरएनए. द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट शोन इन, अभी जस्ट पहले मैंने डिस्कस किया है, किसमें हुआ था सबसे पहले, बैक्टीरिया में, और वो भी कौन सा था, ई कोलाई. ओके, ये आपको एक सीक्वेंस दिया है, कोडिंग स्ट्रेन ऑफ जीन, व्हाट विल द कोरस्पोंडिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए, ये आपका डीएनए का सीक्वेंस है, ठीक है, ये 5', ये 3', नहीं दिया तो मान लेंगे अपन 5 to 3. अब ये किसका है बेटा, कोडिंग स्ट्रैंड का है, कोडिंग जानते हो ना बेटा, अभी मैंने बताया था ये दो स्ट्रैंड हैं, एक अगर कोडिंग है तो दूसरी है टेम्पलेट. इससे जो आरएनए बनेगा वो टेम्पलेट के क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा. टेम्पलेट की डायरेक्शन 3 to 5 और इसकी डायरेक्शन 5 to 3. तो जो आरएनए बनेगा, नया आरएनए मॉलिक्यूल, वो टेम्पलेट के होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कोडिंग के बिल्कुल सिमिलर होगा. फर्क क्या होगा, उधर टी है थाइमिन, तो इसमें क्या जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा. तो बिल्कुल सिंपल फंडा मैंने बता दिया, व्हाट विल द कोरस्पोंडिंग सीक्वेंस ऑफ ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए. तो आप ये कोडिंग है जिसको बोल रहा है, तो कोडिंग का बिल्कुल सेम बना दो, और उसमें टी की जगह क्या कर दो, यूरेसिल कर दो. ये लो, जहां टी है यहां यू कर दो, वो सीक्वेंस अब यहां आपको ढूंढना पड़ेगा. बात समझ में आ गई, तो देख लो यहां, देखो ए जी जी कहां है, ए जी जी यू ए, बिल्कुल समझ में आ गया, ये आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ. कोडिंग के बिल्कुल सिमिलर बना दो, टी की जगह यू कर दो, और अगर टेम्पलेट दे रखा है तो उसका फिर कॉम्प्लीमेंट्री बनाना होगा. नहीं तो आप ऐसे करो, कोडिंग तो इसका टेम्पलेट बना के देखो कॉम्प्लीमेंट्री, उसका फिर आप कॉम्प्लीमेंट्री बनाओगे तो बात तो वही आ गई ना, सिमिलर हो जाएगा, और टी की जगह यू रिप्लेस कर दो. ऑल द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द ओपेरॉन एक्सेप्ट ओपेरॉन, बिल्कुल सभी को याद है जो लैक ओपेरॉन, उसके अंदर स्ट्रक्चरल जीन है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, एनहांसर नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा.
Under which of the following condition will there be no change in the reading frame of the following mRNA? अब ये कह रहा है ये आपका कोई mRNA है, ये कह रहा है किस कंडीशन में mRNA में कोई चेंज नहीं होगा, उसके आगे जो कोडिंग सिस्टम है कोडॉन्स उनमें कोई चेंज नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, अभी मैंने बात की थी, अगर आप एक या दो न्यूक्लियोटाइड डिलीट करते हो या इंसर्ट करते हो तो आगे की फ्रेम क्या होगी, चेंज होगी। लेकिन अगर आप तीन न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हो या रिमूव करते हो तो आगे फ्रेम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखो, इंसर्शन ऑफ ए जी एट फोर्थ एंड फिफ्थ पोजिशन, डिलीशन ऑफ जी जी यू फ्रॉम सेवंथ आठ एट्थ एंड नाइन्थ पोजिशन, इंसर्ट ऑफ जी, और सीधी सी बात है अभी मैंने कौन सा बताया उससे हो जाएगा थ्री, तीन का सेट ऐड कर दो या डिलीट कर दो एक ही बात है, आगे फ्रेम में चेंज नहीं आएगा। अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, तुम्हारी एनसीईआरटी में लिख रखा हुआ राम हैज रेड कैप, वो कॉन्सेप्ट समझा रहा है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैचिंग वाला क्वेश्चन आ गया बेटा, सारे याद है, आपको याद होने चाहिए, बार बार ये क्वेश्चन आ चुका है। आई जीन जो है इनहिबिटरी जीन, वो किसको कोड करती है, रिप्रेसर प्रोटीन को। जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ए जीन कोड्स फॉर ए किसको करेगी बेटा, ट्रांसस्टाइलेज को ये, और वाई जीन जो है वो किसको, परमीएज को। ओके, कर लोगे मैचिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो बेटा, आप ह्यूमन जीन को बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवा के उससे अपन उसका प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं, वो प्रोटीन ऑब्टेन कर रहे हैं। ये क्यों पॉसिबल हो पाया, क्योंकि आपको पता है जो कोडन होते हैं वो यूनिवर्सल हैं, उनके नेचर क्या है, नियरली यूनिवर्सल। अगर यूनिवर्सल नहीं होते तो दूसरे में जीन ट्रांसफर करते हैं अपन, तो वहां पर फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन अलग टाइप का होता है, अमीनो एसिड सीक्वेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं, निम्न में आनुवंशिक प्रकृति का कौन सा लक्षण जीवाणु को पुनर्योगित डीएनए तकनीक के द्वारा मनुष्य उत्पन्न करने देता है, तो आंसर क्या होगा, जेनेटिक कोड इज नियरली यूनिवर्सल। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सारे दे रखे एनसीईआरटी के क्वेश्चन से। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। बेटा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, अगर रेप्लिकेशन होता तो डीएनए हेलिकेज होता, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड को अनवाइंड कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज खुद ही करता है, तो आंसर यहां क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज। ओके, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, ट्रांसलेशन की जो फर्स्ट फेज है उसमें क्या किया जाता है, जो अमीनो एसिड होता है उसको टीआरएनए के साथ बाइंड किया जाता है, एक्टिवेशन किया जाता है। तो यहां पर देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ये अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ये हो जाएगा आपका, सिंपल है, एज इट इज एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाए गए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखो वही रिपीट हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूटिव बेस इतनी दे रखी है, हेलिक्स टिपिकल मैमेलियन सेल, देन लेंथ ऑफ डीएनए इज एप्रोक्सीमेटली, आपने तो याद ही कर रखी है, एप्रोक्स कितनी होती है, दे रखा है एनसीईआरटी में डेटा 2.2 मीटर लॉन्ग। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ये लो आंसर ये कर देते हैं। आगे देखते हैं, कोडिंग स्ट्रेन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड इनटू एमआरएनए, टेम्पलेट होनी चाहिए थी, गलत हो गया ये। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट, स्प्लिट जीन प्रोकैरियोट में नहीं होती बेटा। इन कैपिंग मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू 3' एंड, नहीं होता 5' एंड होना चाहिए था, जितने स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, पहला क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज के फंक्शन याद होने चाहिए बेटा, आरएनए पॉलीमरेज कितने टाइप के हैं यूकेरियोट में, फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज, थर्ड सेक, सॉरी तीनों अलग अलग ले लेते हैं, आरपी फर्स्ट, आरपी सेकंड एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा, आरआरएनए का, सेकंड एचएन आरएनए जो किसका प्रीकर्सर है, एमआरएनए का, इसके अलावा जो थर्ड है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, टीआरएनए, इसके अलावा एक्सेप्शनली 5S आरआरएनए एंड SN आरएनए। अब पूछा क्या है, देख लो, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है ट्रांसक्राइब टीआरएनए, 5S आरआरएनए एंड SN आरएनए, सिंपल याद रखना, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट पूछता तो आरआरएनए होता, आरआरएनए भी कौन से, ये वाले होते हैं, ठीक है। सेकंड की बात करें तो किसका, एचएनआरएनए जो किसका प्रीकर्सर है, एमआरएनए का, तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नाउएडेज इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट म्यूटेटेड जीन कॉजिंग कैंसर बाय अलाउइंग रेडियोएक्टिव प्रोब टू हाइब्रिडाइज इट्स कॉम्प्लीमेंट डीएनए इन द क्लोन ऑफ द सेल फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटोरेडियोग्राफी, बिकॉज
ये कैसे पॉसिबल हो पाया? देखो ये मॉलिकुलर में क्वेश्चन डाल दिया, लेकिन बायोटेक से कनेक्ट है, वहां पर भी आपको ये डिस्कस कर दिया जाएगा और एक्सप्लेन कर देंगे इसको, ठीक है। लेकिन यहां समझें क्या बोल रहे हैं, कोशिका में एक क्लोन में रेडियो धर्मी प्रोब, इसके डीएनए का संकरण कर उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी प्रयोग, इसकी पहचान कैंसर उत्पन्न करने वाली उत्प्रेरित जीन को पता लगाने में आजकल संभव है। क्यों संभव हो पाई? क्योंकि जो जीन म्यूटेट हो जाएगी वो आपके प्रोब के साथ बाइंड नहीं होगी, बाइंड नहीं होगी तो उसका रेडियोग्राफ आपको नहीं मिलेगा, और अगर नॉर्मल है तो प्रोब उसके साथ जाके बाइंड हो जाएगा तो उसका ऑटो रेडियोग्राफ मिल जाएगा। ऑप्शन पे जाएं, म्यूटेटेड जीन कंप्लीटली एंड क्लियरली अपीयर ऑन ए फोटोग्राफिक फिल्म, नहीं होगा, म्यूटेट जीन हो गई तो फोटोग्राफिक फिल्म पे आपको वो आइडेंटिफाई नहीं होगा। म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंटेटी विद द विद इट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेज इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड एनसीईआरटी का स्टेटमेंट बेटा, उनको क्या बोलते हैं अपन, रिपीटिव डीएनए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ई कोलाई स्ट्रेन आई जीन गेट म्यूटेड एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड द इंड्यूसर मॉलिक्यूल इफ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विद लैक्टोज व्हाट विल बी द आउटकम। बिल्कुल सिंपल है बेटा, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बेटा। देखो लैकोपेरोन याद होना चाहिए आपको, ये कौन है, प्रमोटर ऑपरेटर जेड वाई ए, ये लैकाई जीन है। अब ये कह रहा है कि जो लैकाई जीन है उसमें म्यूटेशन हो गया, और म्यूटेशन ऐसा हो गया कि उससे जो रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी वो अब लैक्टोज के साथ बाइंड नहीं होगी, बन तो रही है लेकिन लैक्टोज के साथ बाइंड नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली इसके साथ बाइंड नहीं होगी, तो वो ऑपरेटर के साथ जाके क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी। यहां बाइंड अगर हो गई तो ऑब्वियसली आगे इनका ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। तो सिंपल है, मीडियम प्रोवाइडेड विद लैक्टोज व्हाट विल बी द आउटकम, क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, जेड वाई जीन विल नॉट बी ट्रांसलेटेड, जेड वाई जीन जो है ना ट्रांसक्रिप्शन होगा और ना ही उनका ट्रांसलेशन होगा, क्योंकि लैक्टोज के साथ ही बाइंड होगी नहीं, तो ऑपरेटर के साथ जाके क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी, क्योंकि इसने कंडीशन खुद दी है, बनी है म्यूटेशन हो गया लेकिन इनका फॉर्मेशन हो रहा है, लैक्टोज के साथ बाइंड, ऐसा म्यूटेशन हो गया कि लैक्टोज के साथ जो बाइंड करने वाली साइट है वो चेंज हो गई लेकिन ऑपरेटर के साथ जाके क्या होगी, बाइंड हो जाएगी। ओके, डीएनए पॉलीमरेज इन द फॉर्म ऑफ द बेसिस ऑफ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्ट बेटा, बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, दोनों में इसका यूज किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिंस एज सून एज, ट्रांसलेशन से क्वेश्चन है कब बिगिन होता है, जैसे ये एमआरएनए आपका एमआरएनए है 5' 3' इसमें सबसे पहले कौन आती है बेटा, स्मॉल सब यूनिट आती है, स्मॉल सब यूनिट जो है वो किसको रिकॉग्नाइज करती है, स्टार्ट कोडोन को। ओके, द लार्जर सब यूनिट नहीं होगा, बोथ सब यूनिट जॉइन ना, टीआरएनए इज एक्टिवेटेड एंड द लार्जर सब यूनिट, गलत हो गया, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर द एमआरएनए, एमआरएनए के ऊपर छोटी सब यूनिट जो है वो एनकाउंटर होती है, बाइंड होती है, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इफ ए जेनेटिसिस्ट यूज द ब्लाइंड अप्रोच फॉर सीक्वेंस, बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, सीक्वेंस होल जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉलोड बाय असाइनमेंट ऑफ द फंक्शन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट मेथडोलॉजी एडॉप्टेड इन कोल्ड, सीधा आंसर जाएगा बेटा सीक्वेंस एनोटेशन। इसमें दोनों मेथड दे रखे हैं, एक तो है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग और दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन, इसने डेफिनेशन किसके लिए है, सीक्वेंस एनोटेशन की। इन लैक ऑपेरॉन जेड जीन कोड्स फॉर, बिल्कुल सिंपल है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, ये मैचिंग वाला आ गया, लैक ऑपेरॉन आई जीन, देखो वापस रिपीट हो रहा है बेटा, सीधे बता रहा हूं मैं, आई जीन जो है किसे रिप्रेसर कोड फॉर, ये रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करेगी, लैक जेड जीन अभी आया था क्वेश्चन, देखो ये हो जाएगा आपका लैक जेड जीन के लिए। वाई जीन, वाई जीन जानते हो परमिएज, ये सी वाला, और ए ट्रांस एसी टाइलेज, इसके अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हो। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, बात करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन, दैट इज, ये सही बात है, डीएनए पॉलीमरेज केवल एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है, कौन सी, 5' to 3' ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ऑन वन स्ट्रैंड द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस वाइल ऑन अदर स्ट्रैंड द डिसकंटिन्यूअस, बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, तो ढूंढे स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, आंसर विल बी थर्ड। अगेंस्ट द कोडोन 5, ये देखो बिल्कुल सिंपल है, कोडोन दिया है आपको, ये क्या है, यू ए सी 5' 3',
ये कोडोन है तो बेटा एंटीकोडोन इसके बिल्कुल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ये लो एंटीकोडोन ए यू सी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना दिया ए यू जी। ओके ये थ्री प्राइम, ये फाइव प्राइम। अब ये जो सीक्वेंस है वो ऑप्शन में पहचानो आप, उन्होंने देखो उसको उल्टा ले लिया, फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम, तो फाइव टू थ्री जी यू ए। देखें फाइव टू थ्री जी यू ए कहां पे है बेटा, फाइव टू थ्री जी यू ए, आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। ओके तो ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके जो प्रीवियस एग्जाम के हैं, बायोमोलिक्यूल एंड मोलिकुलर बायोलॉजी। आप देखना काफी क्वेश्चन जो है वो एक टॉपिक के रिपीट भी होते हैं, तो उन पे तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि वो क्वेश्चन पेटेंट क्वेश्चन है जिन पे अप्रोच वो लेता रहता है। ठीक है ओके, इसके बाद अपन मिलेंगे बायोटेक्नोलॉजी के सॉल्यूशन में। ओके ऑल द बेस्ट।